मॉर्निंग यार, उठो ना यार, उठो। अच्छा सुनो, शिखा कहाँ है? हेलो, हमें इतनी सुबह शिखा के बारे में पूछने के लिए उठाया है क्या? अच्छा तन्वी कहाँ है वो बता दो। उठो ना यार। फरहान, अगर तुम्हें शिखा और तन्वी से काम है तो बाहर जाओ। यार हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं। कोई सोने थोड़ी। उठो उठो उठो। सुनो गो अवे। हमारा कमरा यार, हमें सोने दो। अच्छा सुनो, एक काम है यार, प्लीज सुबह सुबह चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है, प्लीज फटाफट जाओ चाय बना लाओ। और साथ में ना एक मिनट पेपर ले आना, न्यूज़ पेपर। खुद उठ के क्यों नहीं बना रहे? अनबिलीवेबल यार, खुद उठ के जाओ किचन में बना लो और पी लो। क्या यार, मतलब चाय नहीं पिला सकते हो तुम लोग? नहीं, कमाल कर दिया। चाय देखा, मैंने कहा तुम सब में ना तन्वी सबसे समझदार है। उसको पता है सुबह सुबह लड़कों को चाय चाहिए होती है, न्यूज पेपर चाहिए होता है। कितना गलत कहते हो ना तुम। ये लो सर, ये चाय सिर्फ हम लड़कियों के लिए। हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर बर्तन में एक दो घूट बची है, तुम चाहो तो जाके पी लो, मैनेज कर लो। तुम लोग सीरियसली चाहते हो हम लड़के चाय बनाए यार, प्लीज यार, मतलब क्यों? कल शर्ट उतार फेंकने में तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा जोश चढ़ रहा था, अब एक कप चाय नहीं बना सकते तुम? चाय बना लो प्लीज। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना। तुम टीवी देख रहे हो ना? तुम लोग टीवी देखना चाहते हो ना? मैं दिखाता हूँ तुम्हें टीवी। मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा, मैं देखूंगा टीवी। क्या बॉडी बिल्डिंग करते रहते हो हर वक्त यार? अबे बॉडी बनाने से लड़की थोड़ी पड़ती है। अभी गया था मैं लड़कियों से बोलने, मैंने कहा चाय पिला दो, कहती है नहीं। आफत की बलाओं ने इतना मारा है ना। तू लड़कियों से पिट गया है? नहीं, बावर्ची से। अबे लड़कियों की बात करो तो लड़कियों से ही पिटाओ ना। अबे और क्या यार, वही तो कह रहा हूँ, कंबल में लपेट लपेट के मारा यार। फरहान, तुम हमें बदनाम कर रहे हो? हमें बदनाम? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तू देख रहा है कैसे मजाक उड़ा रही है हमारा? यार कम ऑन यार, छोड़ बॉडी बिल्डिंग, जवाब दे इसको, कम ऑन। हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा करो ये सब छोड़ो और बाहर जाके देखो, कोई ना कोई चाय की दुकान तो मिल ही जाएगी तुम्हें। हाँ नहीं तो जो आसपास में घर है ना उनमें घुस जाओ और एक आंटी जी के पांव पकड़ लो और उनसे चाय की भीख मांग लो। अभी बहुत हो गया, देख अब चाय हम खुद बनाएंगे। चाय क्या, पूरा ब्रेकफास्ट हम खुद बनाएंगे। अब यस, रहने दो, जोश में आके ना मारे जाओगे। जोश वोश नहीं बॉस, सारा ब्रेकफास्ट हम खुद बनाएंगे और आप लोग भी आना। हम लोग? आर यू सीरियस? एब्सोल्युटली। तुम अपने लिए बना लो, खुद खा लो, वो काफी। हेलो, अब जब हम लोग नाश्ता बनाएंगे ना तो देखना इतना टेस्टी होगा उंगलियां चाटते रह जाओगे अपनी, और अगर ना हुआ ना तो मेरा नाम नहीं, मतलब
अभी का नाम जो है ना वो अभी नहीं होगा। हंस लो बेटा, कंबल में लपेट के मारा था ना मुझे, देख लो। चलिए आराम से यार, अभी दर्द हो रही है। आराम से चलो यार, आराम से चलो, मेरे को अभी भी मार पड़ी। God knows, ये लड़कियां हमें क्या खिलाएंगे। ईशा, ऐसा करना तुम पहले टेस्ट कर लेना। मतलब मैं तुम्हें देख के फिर टेस्ट कर लूंगी। अगर मेरा हाँ, पेट खराब हो गया तो। कह रहा था कि ओके लड़की जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती यार। कमाल है यार, पता नहीं कैसे लग रहा होगा इनको अभी। अब सर्व भी तो करो। खा लो चुपचाप, बनाए भी खिलाए भी, कमाल है यार। ये अच्छी बात है, आज तो बनाओ और कोई अप्रिसिएशन भी नहीं। और तो जिसके लिए बनाया है वो एक नजर भी नहीं देख रही है। वॉटर। थैंक यू। Oh yeah, yeah.
You know what? Zach, stop it. अभी बताओ तो सही यार, ईशा और अभी फुटबॉल खेल रहे थे क्या? हेलो सर, हमने पंचकनी कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, लेकिन 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 सर जो हमने प्रिंट आउट दिया था वो चेहरे से मिलता जुलता कोई चेहरा नहीं है इस कॉलेज में। व्हाट? यस सर। सर हमने चेहरे से नहीं बल्कि रश्मि उपाध्याय के नाम से भी चेक करा, लेकिन उस नाम से भी कोई लड़की नहीं इस कॉलेज में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा सर। आप ही बताइए आगे क्या करना है सर। आप एक काम कीजिए। लेकिन सर वहाँ पे तो आप छुट्टी पे गए हैं। इट्स ओके, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। All right, sir, I'll be there. राशि नाम की कोई लड़की इस कॉलेज में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मिनिस्टर साहब की उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि उनकी पोती इसी कॉलेज में है, लेकिन अगर राशि वहां नहीं है तो और कहां हो सकती है? और जैसे ही मैं टेबल के नीचे झुकी मैंने देखा अभी ईशा के पैर पे। Stop it, यार। मैं भी यही सोच रही थी कि अभी हंसता क्यों जा रहा है, और ईशा तो मतलब तुम्हें लगा कि वो मैं हूँ? Shut up, फरहान। Don't shut up, यार। Listen, मैं सर अभी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। बहाने मत बनाओ, तुम्हें पूरा यकीन था कि वो मैं हूँ, इसलिए तुम मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी, राइट? एनीवेज मेरे को बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आम खाओगी? खाओगी ना? रुको मैं तुम्हारे लिए आम लाता हूँ। रुक जाओ, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। नहीं नहीं मैं आम लाऊंगा, नहीं मैं आम लाऊंगा, नहीं मैं आम लाऊंगा। पेट है कि कुआं है यार, अभी नाश्ता किया फिर से भूख लग गई। नहीं ये मतलब क्या है? क्या संभाल के यार, हट जाओ, एक सेकंड हटो। फरहान भूख तो कभी भी लग सकती है यार। वैसे भूख तो मुझे भी लगी, जितनी अच्छी तरह हमने ब्रेकफास्ट बनाया था वैसे ही हम लंच भी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू मेरे शेर, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा बोल रहा है? देख लेंगे ना। Yes, we're ready. Boys, don't worry, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लड़कियां सबके लिए खाना बना लेंगे। ओके, पर एक शर्त कि तुम हमें खाना बनाने में हेल्प करो। ओके, फाइन। अब फिर से अकेले? अरे आप अकेला रहना अच्छा लगता है मुझे। अरे 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 क्या तुमने बुरी आदतें लगा के रखी है, पहले तो अकेला रहना फिर से ये झूठी मूठी मुस्कान दुनिया के लिए। वैसे मैं ये सब महसूस कर चुका हूँ, एक बात कहूँ, ये दुनिया ना बड़ी मतलबी है, लेकिन कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जैसे आप, जो अपने मतलब को ठुकरा के दूसरों की मदद करते हैं। जैसे जो तुमने समीर और अभी के लिए किया, दैट्स आई मीन इट्स ग्रेट, बट एक बात याद रखना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा अपनी होती हैं, और थोड़े दिनों के लिए भी वो दूसरे के पास चले जाए तो भी वो अपनी ही होती है। मैं तो भूल ही गया, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है, जस्ट बी राइट बैक, सी यू। प्रिंट निकालते समय तो आपने खुद बताया था कि शक्ल अगर एग्जैक्टली सेम नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलती होगी। आई नो सर, लेकिन हमारी बेसिक फोटो गलत थी। मतलब सर जिस फोटो के बेसिस पे हमने राशि की नई फोटो तैयार की थी वो राशि की नहीं बल्कि किसी और की बचपन की फोटो थी, इसलिए सॉफ्टवेयर से डेवलप होकर जो फोटो हमें मिली वो किसी और की फोटो थी। दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। हम
तुम राशि को कैसे ढूंढे? एक वही एक फोटोग्राफी हमारे पास, वो भी नहीं रही। ये सर कहने को आप, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें मिनिस्टर साहब की पोती राशि तक पहुंचा सके, सिवाय इस इंफॉर्मेशन के कि वो पंचगनी कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन राशि नाम की कोई भी लड़की पंचगनी के उस कॉलेज में नहीं पढ़ती है। एग्जैक्टली सर, कॉलेज के रिकॉर्ड से हमें भी यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि राशि उपाध्याय नाम की कोई भी स्टूडेंट उस कॉलेज के किसी भी क्लास में नहीं है। ये पूरा यकीन है कि उसने अपना नाम बदल दिया। अब इतनी सारे स्टूडेंट्स में थे, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? बहुत मुश्किल होगा सर, लेकिन इस मुश्किल को किसी भी हालत में हमें आसान करना है। उस आतंकवादी का नाम पता किया आपने? सर, आपने उस आतंकवादी ग्रुप का पता लगाने को कहा था जो डिफेंस मिनिस्टर की मौत के जिम्मेदार हैं। उस आतंकवादी ग्रुप के हेड का नाम मालूम हो चुका है सर। उसका नाम है जहान शेख, हैदर शेख का बेटा सर। हैदर शेख, वो जिसने पार्लियामेंट अटैक प्लान किया? यस सर, वही हैदर शेख। इसका मतलब ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि जाति दुश्मनी। देखिए, आप मुझे इस जहां शेख के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दीजिए। इतना तो हम अभी भी बता सकते हैं सर कि जहां शेख इस वक्त के तमाम आतंकवादियों में सबसे ज्यादा चालाक और दिमागदार शख्स है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भी वो मिनिस्टर साहब की पोती राशि की तलाश में निकला हुआ है सर। तो वो हमारे साथ रेस लगा रहे हैं। हम राशि की जिंदगी बचाना चाहते हैं और वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी इस मिशन में हम ही कामयाब होंगे। यस सर। गो सर। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता लगाना है कि राशि का नया कॉलेज सेशन कब शुरू हो रहा है। अच्छा, ठीक है।